मास्टर पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमन यादव। आज के पार्ट 19 में हम 3D ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे विद डिटेल। तो इंजीनियर्स प्लीज़ वीडियो स्टार्टिंग से लेते एंड तक देखना। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ कि हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोज़ को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाएँ। तो हम आते हैं अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आते तो ये अपना ग्रिड मोड ऑफ ऑन है, इसको ऑफ करेंगे। और ऑर्थो मोड ऑलवेज ऑलवेज ऑन रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। और अपने आइकन को यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। फिक्स करने की शॉर्ट की होती है UCS ICON एंटर एन एंटर, इसको ऑलवेज रिमेम्बर रखना है आपको। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसमें जेड की प्लेन हमारी तो बाय डिफॉल्ट या फिर हम कह सकते हैं हम उसको ऊपर की तरफ सेट करते हैं, लेकिन हमें उसको किस डायरेक्शन में सेट करना है वो डायरेक्शन हम देखेंगे। यहाँ से पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे या फिर 2D से 3D में जाने के लिए 3DO एंटर करेंगे, ठीक है। तो मैं या तो शिफ्ट प्रेस करूँगा या 3DO एंटर कर दूँगा। तो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और जेड ऊपर सेट करता हूँ, ठीक। अब मुझे जेड, जैसे मैं डायग्राम में मैंने बताया था आपको, जेड में किस डायरेक्शन में सेट करूँगा, सेट करूँगा वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में सेट करने के लिए मैं एक बॉक्स की हेल्प लेता हूँ, ठीक। इसको थोड़ा नीचे और हाइट देंगे, बस सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करने क्लिक कर दूँगा कहीं भी। और ऑर्थो मोड ऑलवेज ऑन रखना है आपको। अब UCS एंटर करता हूँ, UCS ऑरिजिन पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा, एक्स इसी डायरेक्शन में रखनी है, वाई को आपको ऊपर रखना है वर्टिकल डिस्टेंस। जेड सेट हो गया आपका। अब देखिए मुझे ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ड्राइंग ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले ये जो आउटर प्रोफाइल है इसकी, आउटर प्रोफाइल उसको ड्रॉ करूँगा, ठीक है, इस पूरी आउटर प्रोफाइल को। और ये आपका डैश लाइन है, तो ये आपका बस इमेजिनरी सर्कल मान सकते हैं उसको। हमें ये सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है दोस्तों। ये सब अंदर के ये हुआ, ये हुए, ये हुए, ये हुए। तो सबसे पहले अभी मैं आउटर प्रोफाइल ड्रॉ करता हूँ उसकी, और उसको एक्सट्रूड कर देंगे कितना, सिक्स एक्सट्रूड कर देंगे थिकनेस उसकी। और फिर उसके बाद जो इनर ये प्रोफाइल है अंदर की, इनको हम ड्रॉ करके इसको भी हम 6 एक्सट्रूड कर देंगे और मटेरियल रिमूव कर देंगे इसके अंदर से, ठीक है ना, मटेरियल हटा देंगे। चलिए करते हैं, आते हैं अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितने का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे पहले, यहाँ पे 33 रेडियस का, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे 65, फिर वहाँ पे हम एक 16 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक। चलिए इतना करते हैं, फिर हम फिर पहले चलिए करते हैं सर्कल के लिए मैं सी एंटर करता हूँ, और यहाँ पे कितना 33 रेडियस एंटर। फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे इसके ऊपर जाना है, यहाँ इसके सेंटर पॉइंट से उस दूसरे सर्कल के सेंटर पॉइंट तक जाने के लिए मैं एल कमांड का यूज़ करूँगा, और ऊपर कितना जाऊँगा 65 की डिस्टेंस है मेरी। तो मैं उसके लिए एल एंटर करता हूँ, और पहला पॉइंट मैं स्पेसिफाई करूँगा, इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरी लाइन ऊपर जा रही, कितनी डिस्टेंस चल रही है मुझे, 65 एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, कितने का, 16 रेडियस का, तो 16 एंटर कर देता हूँ। अब क्या करना है मुझे, अब देखिए ध्यान से दोस्तों, अब यहाँ पे ये देखिए इसका, ओ सॉरी, इसका रेडियस मैंने दिया नहीं हुआ, इसका रेडियस है 64, टू इसका भी 64 है, इसका भी 64 है। तो ये क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टेंजेंट का यूज़ करेंगे हम। टेंजेंट कमांड मैंने बताया थी, टेंजेंट कमांड क्या है, सब कमांड है किसकी, सर्कल की। ये मैंने सर्कल कमांड में प्रीवियस वीडियो में, सर्कल कमांड की वीडियो मैंने बना रखी थी प्रीवियस क्लासेस में, उसमें आप लोग उसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है, विद डिटेल। तो यहाँ पे सर्कल के लिए टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के लिए पहले सर्कल कमांड सी में जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इसका एक और टाइप है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, तो उसका ऑप्शन आपका किस में आएगा, ओ सॉरी, जो उसका मेन्यू बार है, यहाँ से हम मेन्यू बार को हम रिकॉल करवाएंगे, वहाँ से हम सर्कल पे जाएंगे, सर्कल के आइकन में क्लिक करेंगे, और वहाँ से अदर ऑप्शन पे, वहाँ पे सारी ऑप्शन शो करवाएंगे आपके, सब ऑप्शन वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब अगर सी एंटर करते हो तो यहाँ पे 1 2 3 तीन ही ऑप्शन आपको शो करेंगे, वैसे इसके और भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या कह रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल 3PTTR टेंजेंट टेंजेंट, तो हम टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के लिए TTR एंटर करेंगे।
आप देखिए ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, और अब पूछ रहा है रेडियस, तो रेडियस मुझे कितनी देनी है, 2x64, मीन्स इधर की और उधर की दोनों को मिला के 2 हो गई, और कितने की 64 की है, 64, एंटर। ठीक, अब टी आर डबल एंटर, जो इंटरसेक्शन लाइन है उनको मैं हटा दूंगा उसको, ठीक है। अब इसको भी मैं इसको क्या करूँगा, मिरर करवा दूंगा, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंटर कर दूंगा। ठीक, अब एल एंटर करता हूँ, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर पॉइंट से इधर चलूँगा, कितना 47, फिर मैं नीचे कितना आऊँगा 26, तो मुझे ये सेंटर मिल जाएगा, इतना करते हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो मैं एल कमांड का यूज करता हूँ, इधर कितना आना है मुझे 47, नीचे कितना आना है मुझे, चलिए डिस्टेंस देखते हैं, नीचे मुझे आना है 26 इस सेंटर पॉइंट तक के लिए, ठीक है। तो नीचे मैं आऊँगा 26, एंटर। सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, सी एंटर करेंगे और स्पेसिफाई करेंगे कितने रेडियस का, चलिए देखते हैं। हमें आउटर प्रोफाइल ड्रॉ करें, तो आउटर का रेडियस है 10, 10 रेडियस का मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, 10 रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक, 10 एंटर। अब जो मेरी ये लाइन क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, हमारी ज्योमेट्री अदर प्रोफाइल ड्रॉ करने में, तो इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब ये बैंड है, तो ये बैंड मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, इसके लिए मैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का यूज़ करूँगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट कराएंगे, यहाँ से टेंजेंट कराएंगे, और रेडियस की वैल्यू कितनी की मैंने आपकी 2x, रेडियस 20, मीन्स आउटर की, ये देखिए जो आउटर की ये रेडियस लगी हुई है, बैंड है ये 20 20 का, और जो इनर का है वो, सॉरी इनर का मैंने, इनर का 10 है, ठीक है दोस्तों, इनर का 10 है, मैंने शून्य कराया हुआ बट 10 है इनर की आपकी। तो चलिए पहले आउटर की ऊपर की ड्रॉ करते हैं, तो सी एंटर, टी टी आर एंटर, ठीक है, रेडियस 20 एंटर। ठीक, अब नीचे वाले की 10 है, सॉरी इनर की नीचे वाले की 10 है आपकी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से देखिए सर्कल कमांड में तो मैं था ही, अब मैं टी टी आर एंटर कर दूंगा, ठीक, टेंजेंट एंड टेंजेंट, और रेडियस की वैल्यू मैं 20 से चेंज करके 10 एंटर कर दूंगा, फिर जो इंटरसेक्शन है उनको मैं हटा देता हूँ, ठीक, इसको भी हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा। अब मुझे क्या, मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत सिंपल है, पहले इनको भी हटा देते हैं हम लोग, जिससे कि हमारी प्रोफाइल और क्लियर हो जाए आपकी, ठीक है, ये भी हटा देंगे हम, ये सिंगल लाइन थी उसको मैंने इरेज कर दिया। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये प्रोफाइल यहाँ भी देख रहा हूँ, तो इसको मैं मिरर करा दूँ, देखिए कैसे, देखिए आपकी यही प्रोफाइल, सेम प्रोफाइल आप आउटर प्रोफाइल इधर भी देख रहे हैं, तो इसको मैं मिरर करवा देता हूँ। और मिरर के लिए हम क्या करते हैं, एम आई एंटर, मिरर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट एंटर, और इसका मिड पॉइंट हम सेंटर पॉइंट पिक करेंगे, और एकदम स्ट्रेट चाहेंगे, कहीं से भी लाइन आपकी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो मिरर क्या होगा आपका, अलाइन हो जाएगा, ठीक है, अलाइन मीन्स टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, अब मुझे क्या करना है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये प्रोफाइल भी ड्रॉ करनी है, ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से कितना नीचे आऊँगा 24, ठीक है, 24 नीचे आता हूँ यहाँ से, 24 एंटर, और फिर इधर कितना चलूँगा मैं 47, तो मैं उसके सेंटर पॉइंट तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है, 47 एंटर कर दूँगा, ठीक। फिर सर्कल के लिए सी एंटर करेंगे, और कितने का है ये आपका, इधर का आउटर 10 रेडियस का, ठीक है, 10 रेडियस का रेडियस वैल्यू मेरी 10 एंटर कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूं, इनको हटा दूंगा। अब देखिए यहां पे फिर से मैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का यूज करूंगा, रेडियस है, रेडियस की वैल्यू 20 में एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए टेंजेंट के लिए सी एंटर करता हूँ, टी टी आर एंटर करूंगा, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस की वैल्यू 20 एंटर, ठीक है। फिर मैं क्या करूँ, टी आर डबल एंटर ट्रिम, इसे भी हटा देंगे, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, ठीक, एम आई एंटर मिरर सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंड एंटर, टी आर डबल एंटर ट्रिम ट्रिम, ठीक है, ये प्रोफाइल हो गई कंप्लीट, जो आउटर प्रोफाइल है हमने इसकी ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स का यूज़ किया मैंने, तो मैं आर ई जी रीजन सर्कल की एंटिटीज का यूज़ किया, सेगमेंट्स का नहीं, सॉरी, इसको मैं सेलेक्ट करके वन रीजन क्रिएटिव लिख दिया,
अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं एक्सट्रूड करूँगा, और एक्सट्रूजन की थिकनेस कितनी है इसकी, सिक्स। देखिए यहाँ पे सिक्स गिवन है, सिक्स, ठीक है। इसको मैं सिक्स क्या करता हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रूड करूँगा, ठीक है। जेड की डायरेक्शन क्या थी आपकी, फॉरवर्ड थी, तो वैल्यू भी हमने पॉजिटिव सिक्स दी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव समझिए ना आप, इसका शेडेड व्यू देखते हैं हम, एस एच ए एंटर सी एंटर फॉर कैंसर। तो इसको थोड़ा रोटेट करवा के देखते हैं, ठीक, पूरी तरह से। अब बस क्या करना है हमें, ये इनर प्रोफाइल, अंदर की प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, और इसको एक्सट्रूड करके सबट्रैक्ट करवा देना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो मैंने बताया था आपको, हम जो भी वर्क करेंगे किस में करेंगे, 2D वायर फ्रेम में करेंगे। और अब क्या करते हैं, प्लान डबल एंटर कर देते, नहीं तो दो दो सेंटर पॉइंट, एक थिकनेस की पकड़ेगा और दूसरी उसकी सर्कल की पकड़ेगा। यहाँ पे केवल एक ही सेंटर पॉइंट पिक करेगा वो, ठीक है दोस्तों, इसलिए हम प्लान डबल एंटर करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके मेमोरी में होना चाहिए कि ये बात है, ठीक है ना। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी आगे जाके, आप जितने भी काम करेंगे तो बहुत ही नॉलेज में आपकी ये बात होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर ड्रॉ करेंगे कितने का, 20 डाया मीन्स 10 रेडियस, 10 रेडियस। फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे कितने का, ये है आपका 10 डाया मीन्स 5 रेडियस, 5 रेडियस। फिर अब देखिए यहाँ पे ये कितने का है, 2x डाया 14, एरो का सिंबल भी दिख रहा है, 14 डाया का, यानी 14 फुल लेंथ है, तो 7 रेडियस। फिर एंटर, क्योंकि रेड 7 तो फीट थी ऑलरेडी। अब मैं ये प्रोफाइल ड्रॉ करूँगा, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 20 रेडियस का मैं सर्कल ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं जानता हूँ एक सर्कल के मेरे चार क्वाड्रेंट पॉइंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार क्वाड्रेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। मतलब मीन्स एक हमारा क्वाड्रेंट होता है उसका 0 to 90 का, एक 92, 180, 182, 270, 272, 360, ठीक है। चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, और ये पहला क्वाड्रेंट पे हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेंट पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितने का, ये सॉरी वैल्यू दी नहीं हुई है मैंने, इसको हम ड्रॉ कर देंगे 6 का, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम 6 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। आप लोग, आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो। यहाँ पे हम इसके एंड प्रोफाइल पे हम एक क्वाड्रेंट पे हम 6 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक। फिर अब हम क्या देख रहे हैं, ट्रिम कर देंगे, जो आउटर है उसको ट्रिम कर देंगे, इस लाइन को भी ट्रिम कर देंगे, ठीक। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये सेम प्रोफाइल एक एक दो तीन चार पाँच छः, तो 6x हैं, तो इनको मैं क्या करूँगा, एरे करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके हम इसमें हम एरे कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। एरे एंटर, AR एंटर कर दिया मैंने, फिर से बताता हूँ मैं आप लोगों को, एरे के लिए हम क्या करते हैं, AR एरे एंटर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कमांड है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसको मुझे एरे करना है, एंटर कर दूंगा मैं। अभी पूछ रहा है, देखिए पहले जो जो ओल्ड वर्जन्स आते थे ऑटो कैड के, उनके अंदर इसकी केवल दो टाइप होते थे, एक तो रेक्टेंगुलर और दूसरा पोलर। अभी तीसरा एक और टाइप ऐड हो गया, वो है पाथ एरे। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम किसकी बात करेंगे, पोलर एरे, क्योंकि हमें सर्कल के अबाउट अराउंड उसके अबाउट में रोटेट करवाना है, तो उसके लिए हम पोलर, और अगर हमें रेक्टेंगुलर सेट में अरेंज करना हो तो उसके लिए हम रेक्टेंगुलर एरे। और अगर हमें एक पाथ, मतलब एक पाथ दिया हुआ है कोई, मतलब मान लीजिए जैसे कि स्प्लाइन है, ठीक है, या फिर एक लाइन है, ठीक है, तो उसके अलॉन्ग करवाना है उसके, तो मैं उसके लिए पाथ का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बेस पॉइंट पिक करते हैं, पिक कर लिया मैंने। अब देखिए 6 डिफ़ॉल्ट होता है उसके अंदर, ठीक है, तो 6 उसने पिक कर लिया, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसको। अब जो मेरी आउटर एंटिटीज है उसको मैं ट्रिम कर दूंगा, TR डबल एंटर, सेलेक्ट एंटर। अब ये आपका क्या हो गया, मतलब प्रोफाइल ड्रा हो गई। अब इसे हम रीजन करेंगे, REZ रीजन एंटर कर देंगे। अब शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसे रोटेट करवा के देखेंगे कि ये इसकी ये प्रोफाइल हमारी ड्रॉ, हाँ ठीक है। अब इसको हम एक थिकनेस वैल्यू दे देंगे, थिकनेस इंस एक्सट्रूड करेंगे इसको, कितने थिकनेस तक, 6
पॉजिटिव वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब लास्ट में सबसे हम, मैंने क्या बताया था आपको, अब यहाँ पे हम डायग्राम में क्या देख रहे हैं, पूरा का पूरा थ्रू होल है, तो इसके लिए हम पहले इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के बाद इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई मटेरियल आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबट्रैक्ट के लिए हम क्या करते हैं, मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को। सबट्रैक्ट के लिए हम एस यू एंटर करेंगे उसकी शॉर्ट की, पहले आउटर को सेलेक्ट करूँगा एंटर, फिर इनर को सेलेक्ट करूँगा वन बाय वन, ठीक। सॉरी 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 सॉरी, ये सब मेरे ख्याल से एक्सट्रूड नहीं हुए हैं, तो इन सर्कल्स को भी मैं एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है। तो इनको हम एक्सट्रूड करेंगे, कितने थिकनेस था, 6। अब हम इसको अब सबट्रैक्ट करेंगे, पहले आउटर को सेलेक्ट करेंगे एंटर, सॉरी आउटर को सेलेक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट कमांड लिया हमने, आउटर को सेलेक्ट करेंगे एंटर, फिर इनर को सेलेक्ट करेंगे वन बाय वन, और दिस वन एंड दिस वन एंटर कर देंगे, एस एच ए एंटर सी एंटर, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैनवास से जुड़े रहिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ इंजीनियर्स। तो धन्यवाद।